नमस्कार आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। वेलकम बैक दोस्तों। बहुत सारे सवाल हमें आ रहे हैं बॉडी बिल्डिंग के बारे में, और एक सवाल बहुत जरूरी आ रहा है कि बॉडी बिल्डिंग के दौरान, एक्सरसाइज के दौरान ब्रीदिंग कैसे करनी है, क्योंकि ब्रीदिंग एक बहुत वाइटल पार्ट है और ये एक तरीके का साइन भी है कि अगर आप ब्रीदिंग सही से नहीं कर रहे, या अगर आपका ट्रेनर आपको ब्रीदिंग के बारे में नहीं बता रहा है, तो हो सकता है आपके ट्रेनर को ही जानकारी ना हो, क्योंकि ऐसी बहुत ही ना के बराबर एक्सरसाइजेज होंगी जिनमें आपको ब्रीदिंग नहीं करनी है। वरना हर एक एक्सरसाइज में आपको कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज के दौरान ब्रीदिंग करनी जरूरी है, एक्सेप्ट फॉर स्विमिंग। ऑब्वियसली पानी के अंदर कहाँ ब्रीदिंग करोगे, लेकिन फिर भी स्विमिंग में भी आपको ब्रीदिंग करनी होती है, अनलेस वो अंडर वाटर स्विमिंग हो। सो ब्रीदिंग कैसे करनी है एक्सरसाइज में? अगर आप भी हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए मेरा ये चैनल डॉक्टर एजुकेशन और बेल का आइकन दबाइए ताकि आप आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाएं। ड्यूरिंग ईच कॉन्ट्रैक्शन, ईच मसल कॉन्ट्रैक्शन, जब भी आप मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हो आप ब्रीदिंग करते हो, और जब मसल रिलैक्स होती है तब आप ब्रेथ अंदर लेते हो। बेसिकली आप जब मसल रिलैक्स है, जब आपका कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है तो सांस अंदर लेते हो, जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है तो सांस आप बाहर छोड़ते हो। सो दैट इज द आइडिया, एक्सेल वाइल कॉन्ट्रैक्शन, राइट? वैसे ही जब आप नीचे जाते हो तो सांस अंदर लेते हो, और जब कॉन्ट्रैक्शन करते हो तो सांस बाहर छोड़ते हो। हर एक रेपिटेशन के साथ में एक ब्रीदिंग करनी जरूरी है। कई ट्रेनर्स, कई बॉडी बिल्डर्स के साथ साउंड भी करते हैं, हू ऐसे, कोई सीटी बजाता है, कोई वट एवर इट इज, बट द पॉइंट इज ब्रीदिंग इज इंपॉर्टेंट। क्यों? अगर आप ब्रीदिंग नहीं करोगे, सोचो क्या होगा। अगर आप ब्रीदिंग नहीं करोगे, कई लोग सांस रोक के 5, 6, 10 रैप मार लेते हैं, द प्रॉब्लम इज उस समय आपकी बॉडी को ऑक्सीजन की हो जाएगी कमी, आपकी मसल को, एक्सरसाइजिंग मसल को हो जाएगी ऑक्सीजन की कमी, और उस ऑक्सीजन की कमी में वहां पर जो लैक्टिक एसिड ज्यादा डिपॉजिट होगा, मतलब एनएरोबिक वाला ज्यादा मेटाबॉलिज्म होगा एरोबिक की जगह, और आपकी बॉडी, जो आपकी मसल्स हैं, लैक्टिक एसिडोसिस से जल्दी भर जाएगी और आप बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे टेक्निकली। तो अगर आप ब्रीदिंग करके करते हो तो आप ज्यादा एक्सरसाइज, ज्यादा हैवी, ज्यादा देर तक एक्सरसाइज कर पाओगे अगर सही ब्रीदिंग कर रहे हो। अगर आप ब्रीदिंग सही नहीं कर रहे तो कम एक्सरसाइज कर पाओगे। इसीलिए रेगुलर एवरी रेपिटेशन के बाद ब्रीदिंग, और एवरी सेट के बाद एक सिप वाटर या थोड़ा सा वाटर बहुत जरूरी है आपका हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए, और ब्रीदिंग ऑक्सीजन सेचुरेशन बॉडी के अंदर मेंटेन करने के लिए। सो एक्सरसाइज के दौरान ब्रीदिंग के बारे में अगर कोई नहीं बता रहा तो लेट टॉक, थिंक अबाउट योर ट्रेनर। आई मीन दिस इज द बेसिक्स। अगर बेसिक्स नहीं तो फिर क्या मतलब? सो चेक योर ट्रेनर, यही इस सीरीज का नाम है, टू चेक योर ट्रेनर। पहला हमने टॉप आपको पॉइंट बताया था पिछली बार, जो पॉइंट था लॉकिंग योर नीज, लॉकिंग योर एल्बोज जॉइंट्स। अगर कोई जॉइंट लॉक करने के लिए बता रहा है तो वो उसको नहीं पता है, बिकॉज जॉइंट को लॉक करते ही आपके मसल से प्रेशर खत्म हो जाता है, और इसीलिए ये चीज हमने शुरू करी है, कैसे बनेगी बॉडी में, चेक योर ट्रेनर। बिकॉज ट्रेनर बड़े आसानी से अपने नाम के सामने फिटनेस एक्सपर्ट, न्यूट्रिशनिस्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा डाल देते हैं, और फलाना फलाना डिग्रीज के आपको इवन वो दिखा देते हैं, बट देन नॉलेज इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। नॉलेज होना जरूरी है। एक डिग्री वाले को भी नॉलेज नहीं हो सकती है, डिग्री जिसके पास नहीं है उसको नॉलेज हो सकती है। सो जिसको नॉलेज है वो ज्यादा मायने रखता है, ना कि किसी के पास अगर डिग्री है। सो दैट्स द आइडिया, और देखते रहिए हमारा चैनल कैसे बनेगी बॉडी की। बाकी के वीडियो जरूर देखिए, हमें बताइए आपको कैसा लग रहा है, और शेयर करिए दोस्तों। अगर आपके कोई डाउट है तो हमें जरूर पूछिए, लाइव वीडियो में आइए और पहले 10 लोगों में अपना सवाल पूछिए रोज इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।